हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आप लोगों को लेके चलेंगे गोपीगंज के काफ़ी पुराने स्कूल के पास, जिसे लोग ककराही स्कूल के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे गोपीगंज फल मंडी के बगल में पड़ता है। ये हम लोग लेके चलते हैं आप लोगों को ककराही स्कूल। और चलने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजा के। तो चलिए हम लोग आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आप लोगों को अंदर से खूबसूरत नजारा दिखाते हैं। चाचा मिले हैं, तो यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे थोड़ा जानकारी हम लोग लेते हैं और कुछ आप लोगों को पहुँचाते हैं जानकारियाँ। तो आइए हम चाचा के पास चलते हैं। तो चाचा, आप बता सकते हैं आपका जो ये प्रस्ताव हुआ था कितने वर्ष हो चुके हैं? ये ब्रिटिश ज़माने का बना हुआ है, तो पूरा नई बिल्डिंग बहुत सामने बनी हुई, ये अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग है। 32 में पहले पढ़ते थे, इस समय मैं 32 में पढ़ता। आप बता सकते हैं हमारे गोपीगंज में ये बंद हुए अभी कितने वर्ष हो चुके हैं? कम से कम 20 साल। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 20 वर्ष हो चुका है ये प्राइमरी स्कूल बंद हुए। तो अभी हम लोग और कुछ जानकारियाँ इनसे हासिल करते हैं। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हम लोग आपको लेकर चलते हैं अंदर कुछ और रहस्यमय चीज़ दिखाते हैं। विद्यालय के अंदर है, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे। अभी 20 वर्ष हो चुका है यहाँ पे, काफ़ी पुराना ये हमारे खंडर जैसा हो चुका है। तो आप इधर अभी दिखाते हैं आप लोगों को, इधर देख सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी जर्जर सा हो गया है ये लकड़ी का, अभी देख सकते हैं ये काफ़ी टूटा हुआ हो गया है। अभी यहाँ पे काफ़ी खतरों से भरा है। तो हम लोग आपको ले चलते हैं कुछ और अंदर, आप लोगों को दिखाते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक दिन था यहाँ पे कितने सारे बच्चे पढ़ा करते थे, आज ये जो खंडर जैसा माहौल पड़ा हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं अंदर, इसके अंदर भी रूम है शायद, ये हम लोग आपको इसके अंदर चलते हैं। तो देख सकते हैं इधर भी काफ़ी जर्जर हो चुका है ये मकान, ऊपर से काफ़ी खतरा से भरा है। तो हम लोग इससे देर ना करते हुए हम लोग इसके बाहर चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग निकलने वाले थे बाहर, तभी हम लोग से कुछ लोगों से मुलाकात हो गई। तो आइए हम लोग उनसे बात करते हैं और पूछते हैं आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तो आपका नाम बता सकते हैं? सोनू जी। आपका? श्रवण कुमार। तो आप लोग यहाँ पे क्या करने आए थे? हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए हैं। तो यहाँ पे ये लोग क्रिकेट खेलने आते हैं, और यहाँ पे पर्यटक स्थल भी हो चुका है, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं कि ये माहौल कैसा है यहाँ का। तो हम लोग आप लोगों को कुछ इधर का भी नज़ारे दिखाएंगे। अभी इसके पीछे आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड है, ग्राउंड के पीछे हम लोग अभी लेके चलेंगे आप लोगों को। अब इधर से दिखा सकते हैं,
तो दोस्तों देख सकते हैं ये पीछे ग्राउंड है, काफी बच्चे खेल कूद मचाए हुए हैं। निकल चुके हैं, यहाँ पे पढ़ाई बंद हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग निकल के अब आप लोगों को ले चल रहे हैं। यहाँ पे अभी पढ़ाई स्टार्ट हुई है जो कि 2004 से 5 में बन चुकी है, तैयार हो चुकी थी। ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोपीगंज विकास चंद्र और राज जनपद भदोही निर्माण 2004-2005 स्थित ग्राम माधोरामपुर पड़ता है। तो आप लोगों को अंदर दिखाते हैं जो कि अभी कोरोना की महामारी से बंद पड़ी हुई थी, तो देख सकते हैं कि स्कूल बंद हुई है। यहाँ पे प्रधान अध्यापक कक्ष खुला हुआ है, आप लोग इधर से दिखा सकते हैं, हमारे कैमरामैन इधर घुमा के दिखा दीजिए। तो दोस्तों वीडियो हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को अगर वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और घंटा बजाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।